अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं सहरी स्पेशल क्विक मटन करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं क्विक मटन करी। तो इसके लिए मैंने एक कुकर में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। इसमें 1 बेलीफ, 1/4 टीस्पून शाहजीरा, 1 इलायची और 1 लौंग डाल लिया है और छोटी सी सिनेमन स्टिक है। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 बड़ी प्याज। प्याज को मैंने बारीक सा स्लाइस कर दिया है ताकि ये मसाले में अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये छोटी प्याज थी तो मैंने 2 ली, अगर बड़ी हो तो 1 ही लें। और इसके किनारे गोल्डन होने तक हमें इसको फ्राई कर लेना है हिलाते हुए। तो देखिए अब इसके किनारे गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। तो मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ और उसको भी अच्छे से भून लेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी। और यहाँ पर मैंने मसाले लिए हैं, सॉल्ट टू टेस्ट है, टर्मरिक पाउडर है यानी कि 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है। और मसाले जले नहीं इसके लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ। इससे मसाले का एक अच्छा सा पेस्ट सा बन जाएगा और सालन का अच्छा बेस बन जाएगा। ये पानी थोड़ी ही देर में सूख जाएगा, देख सकते हैं आप अब ऑयल आना शुरू हो गया है और एक अच्छा सा सालन का मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें 200 ग्राम मेरे पास मटन है, हड्डी वाला मटन है, तो वो ऐड कर रही हूँ मैं और थोड़ा सा इसे भून लूँगी, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं 2 टमाटर ऐड कर रही हूँ, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा कट करके, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर है और 1/2 ग्लास पानी ऐड करके इसको कवर कर देंगे, लिड लगा देंगे और 3 से 4 विजिल होने तक पका लेंगे। और उसके बाद में प्रेशर रिलीज़ होने के बाद में खोल कर देख रही हूँ मैं। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप ज़्यादा सीटी लगाएं और जब का जब खोलें। अब देखिए फिर से मैंने स्टोव पर रख दिया है और फुल फ्लेम पर इसे अब भून लेंगे हम और टमाटर और प्याज को अच्छे से मैश कर देंगे। और वैसे भी ये टमाटर अच्छे से गल गए हैं और प्याज भी अच्छे से पक गई है तो ये जल्दी से मैश हो जाएंगे। तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से सेमी थिक रख रही हूँ। अगर आप और रनी रंग का कंसिस्टेंसी का बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ही भूना है मैंने और इसका अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है। तो स्टोव की फ्लेम मैं कम कर दूँगी बिल्कुल और 2 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम पर पका लूँगी। और इसमें 3 ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ मैं, अगर आप हरी मिर्ची कम खाते हैं तो कम ऐड करें। देखिए अब 2 मिनट के बाद में ऑयल रिलीज़ हो गया है और अच्छा सा मसालेदार सालन तैयार हो गया है। कितनी जल्दी तैयार हुआ है आप देख सकते हैं। अब इसमें खूब सारा कोरिएंडर लीव यानी कि धनिया पत्ता डाल देंगे और स्टोव की फ्लेम बंद कर देंगे। यह सालन रोटी के साथ में अच्छा लगेगा, गरम गरम चावलों के साथ भी अच्छा लगेगा, सहरी के लिए बहुत अच्छा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये क्विक मटन रेसिपी और बिल्कुल कम मसालों से बना है आप देख सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिए रेसिपी को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।